Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is endosperm development occurs before embryo development. ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे एक सीड है, तो इस सीड में अगर हम देखें इसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो है, तो ये जो है क्या है सीड, और ये क्या है एम्ब्रियो, एंड यहाँ पे जो है ये क्या है एंडोस्पर्म है, यहाँ ये क्या है एंडोस्पर्म है। तो हमें पता है कि एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करे, ये जो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करे। तो ये जो होता है इसको एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाके जो है ये एंडोस्पर्म जो है ये अवेलेबल रहेगा किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए डेवलपमेंट होने के लिए। करेक्ट दिया हुआ है। रीजन क्या है, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं वो उनमें क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि एक्ट करेंगे सोर्स की तरह, न्यूट्रिशन के सोर्स की तरह, जो कि रिक्वायर्ड होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। दोनों करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो इफ बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ये सही दिया हुआ है क्योंकि दोनों करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का। इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का। इफ द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत है क्योंकि रीजन फॉल्स नहीं है, रीजन ट्रू है यहाँ पे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, गलत है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।